गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 10 तारीख दिन शनिवार, केशवपुर मंडी, एक नई सुबह एक नए भाव के साथ दोस्तों अभी मौजूद हूं प्याज मंडी में। आप लाइव तस्वीर में देख सकते हो इस समय जो है प्याज का बिक्री किस प्रकार का चल रहा है। बाकी आरती साहब से जानने का कोशिश करेंगे आज जो है किस तरह का ग्राहकी रहा, किस तरह का जो है ग्राहकों का जो च्वाइस है किस पे ज़्यादा रहा, नए प्याज पे या फिर पुराने प्याज पे। अभी जो है पुराना प्याज किस रफ्तार से मंडी के अंदर आ रहा है और कितना डेली का डेली खपत हो रहा है पुराने प्याज में, और नया प्याज जो है किस किस राज्य का फिलहाल आ रहा है। और दोस्तों उससे पहले आप सभी को क्वालिटी दिखा दूं, क्वालिटी जो है मंडी के अंदर पुराने प्याज में किस तरह का है देखो जी। और एक बार आप सभी को नए प्याज का क्वालिटी दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद जान लेंगे किस किस राज्य का प्याज सर के पास आ रहा है। अभी और दोस्तों आप सभी को बता दूं यहाँ पे जो है केशवपुर मंडी के अंदर अलग से प्याज का फर नहीं है, आलू प्याज दोनों यहाँ पे बिक्री होता है। और नीचे के साइड भी फर है और इधर ऊपर के साइड भी जो है फर है आलू प्याज का, और नीचे भी आलू प्याज का है। करीब 15 से 20 दुकान जो है ऊपर के साइड में और 10 से 15 दुकान जो है नीचे के साइड में है। उधर जो सामने बिल्डिंग देख रहे हो उस साइड में इस तरह से। नमस्कार सर जी। सर नमस्कार। सर जी आज का अपडेट दीजिए, आज जो है कितना अराइवल फ्रेश का है मंडी के अंदर, और नए प्याज का कितना अराइवल है, पुराने का कितना है, और कल का बैलेंस कितना है सर? सर इस टाइम पुराने में जो ताजी अराइवल है वो 7 गाड़ी की है और करीब 6 गाड़ी का बैलेंस है, तो नीचे ऊपर मिला के 12-13 गाड़ी है। अच्छा जी। और 400 कट्टा करीब अलवर खैरथल का है। अच्छा जी। और अगर बात करें सर क्लियर का, तो डेली जो है इस मंडी में क्लियर कितना हो रहा है सर? इस टाइम देखिए जो नया प्याज आ रहा है खैरथल का जी, वो तो डे बाय डे क्लियर हो जाता है। अच्छा, क्लियर करना ही पड़ता है वो, क्योंकि किसान व्यापारी साथ में आते हैं तो जनरली वो क्लियर हो ही जाता है रोज का रोज जी। बाकी जो पुराना माल आ रहा है सर वो अपना जो रूटीन के हिसाब से सेल है उसी हिसाब से सेल हो रही है, लगभग 6 से 8 गाड़ी के बीच में। अच्छा जी। जी सर जी, इस समय अगर बात करें ग्राहकों का च्वाइस का, तो डिमांड किस में सबसे ज्यादा देखने को मिला है ग्राहकों का? अभी पुराने प्याज की तरफ ही ज्यादा डिमांड है, रुझान ज्यादा पुराने प्याज की ही तरफ है, या नए प्याज में अब आना स्टार्ट हो गया है? सर टोटली ग्राहक जो है अब वो नए प्याज की तरफ डाइवर्ट हो चुका है। अच्छा जी। सिर्फ जिनको होटल वाले हो गए, ढाबे वाले हो गए, या जिनको वो कैटरिंग वाले हो गए, अच्छा जी, या थोड़ा बहुत जो बेसिकली पुराना प्याज का रूटीन में सेल करते हैं, सिर्फ उन्हीं की सेल रह गई पुराने प्याज की, बाकी अब जो डिमांड है वो नए प्याज की रह गई है वो। अच्छा जी। जी मतलब अब जो है ट्रांसफर हो रहे हैं धीरे धीरे जो है नए प्याज की ओर? बिल्कुल, पूरा सर, पूरा पूरा टोटली। अब अच्छा, पुराना प्याज मैंने बताया बहुत लिमिटेड ग्राहक है पुराने प्याज के लिए, अब जितना भी ग्राहक है रिटेल वाला हो चाहे होलसेल वाला हो, उन सबका रुझान जो है वो नए प्याज की तरफ है। अच्छा जी। तो सर अभी जो है सिर्फ अलवर ही प्याज आ रहा है या फिर नए में या फिर और भी किसी राज्य से आ रहे हैं? सर सब जगह चल गया नया प्याज, जैसा अब ये क्वालिटी आप देख रहे हैं ये एमपी की क्वालिटी है। अच्छा जी। क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया बन गया ये क्वालिटी। जी जी बिल्कुल, साइज बन करके आया हुआ सर, और इसी तरह से किसान भाइयों को भेजना भी चाहिए जिनसे उनको भी 2 पैसा मिल पाए। जी ये ड्राई माल है सर, साइज आपने देख ही लिया है, और ये बिल्कुल क्वालिटी बहुत बढ़िया बन के आई है। अच्छा जी। ये एमपी का माल है बेसिकली, और महाराष्ट्र बेल्ट के माल भी चल गए हैं, उसमें चाहे नासिक हो चाहे पूना हो संगम एयर है जी, उधर से गुजरात बेल्ट भी चल गई है नए प्याज, जैसे मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट सारे एरियाज के चल गए हैं। जी जी। और बाकी जो अपना ये खैरथल और अलवरा है ये तो आ ही रहा है। तो आज जो है सर इस क्वालिटी का प्याज एमपी का प्याज किस भाव में बिका सर, और एमपी का किस राज्य का है सर? सर ये प्रॉपर खंडुआ का माल है ये। अच्छा जी। ये हमने चलाया है 20 से 22 रुपए किलो। अच्छा जी, 20 से लेकर के 22 रुपए। जी। तो सर क्या बाजार डाउन है या क्या, मतलब इस तरह का जो प्याज है इस तरह का जो क्वालिटी निकल कर क्या है? कम से कम मेरे हिसाब से तो 25 पे। सर कारण सिंपल सा है, जैसे आप ये माल देख रहे हैं आप जी, अब ये भी नया माल है जी, अब ये माल बिक रहे हैं 9 रुपए किलो 8 रुपए किलो जी, तो अब बेसिकली क्या है रीजन ना बिकने का सिर्फ डिफरेंस है। अच्छा जी। जो लोकल माल और ये बाहर वाले माल मारा इनमें डिफरेंस हो रहा ज्यादा, सिर्फ इसके चक्कर में। अब मान के चलो अगर ये खैरथल की लोकल थोड़ी और अच्छी आ जाती तो वो 15-16 रुपए किलो मिल जाती है जी, जो अच्छी प्याज है, तो अगर 15-16 में अगर ग्राहक को मिलता हो तो 21-22 रुपए उनको जोर लगता है लेने में जी, इसलिए इसकी थोड़ी सी पकड़ थोड़ी सी कमजोर है, इन मालों की डिमांड इसलिए ज्यादा है। अच्छा जी, जी। मतलब अभी जो है जो राजस्थान से माल आ रहा है अलवर डिस्ट्रिक्ट से उसका भी ज्यादा डिमांड है, उसका डिमांड ज्यादा है, कारण सिर्फ ये है कि सर क्वालिटी पहले से ठीक हो गई है, और दूसरा है प्राइस रेट डिफरेंस ज्यादा है, तो इसलिए पहले ये माल बिकते हैं, इनके जो ग्राहक है बहुत लिमिट के रह गए हैं। अच्छा जी। जी
तो सर और भी जैसा कि आपने बताया महाराष्ट्र भी स्टार्ट हो चुका है, महाराष्ट्र के कई सारे आपने राज्य बताया जी, तो उधर से भी फिलहाल जो है आ रहा है प्याज या फिर अभी नहीं आ रहा? सर बिल्कुल आ जाएगा, वहां से तो रोज फोन आ ही रहे हैं, लोडिंग करने को तैयार है, मालों की क्वालिटी बहुत अच्छी बन चुकी है। अच्छा, सिर्फ थोड़ी सी हमारी हिम्मत भी इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है प्राइस का। अच्छा जी, तो इसलिए अभी उनको होल्ड ही करके रखवाया कि भाई हाँ अभी नहीं चल पाएगा। रीजन ये है कि रेट का डिफरेंस ज्यादा है यहाँ के और वहाँ के प्राइसेस में। पहले इस टाइम ये राजस्थान के अलवर के जो माल है ये पहले बिक रहे हैं जी, तो उनके चक्कर में वो पाल कम बिक रहे हैं क्योंकि नया प्याज है, वजन रोज घटता है, तो इसलिए अभी हाल फिलहाल उनकी तरफ रुझान हमारा कम है बेचने के लिए, इन मालों की तरफ ज्यादा है क्योंकि घराव की डिमांड इन मालों की ज्यादा है इस टाइम। अच्छा जी जी, सर ग्राहक भी जैसे मंडी में एंट्री करते हैं तो वो भी सबसे पहले सस्ते प्याज की तरफ भागते हैं या क्वालिटी वाले प्याज की तरफ भागते हैं? सर दोनों, ये जो सस्ता प्याज और क्वालिटी प्याज जो आपने जो बताया ये दोनों कैटेगरी अलग अलग है जी, ग्राहकों की कैटेगरी अलग अलग है, कईयों को सस्ता चाहिए होता है, कईयों को बढ़िया चाहिए होता है, तो लेकिन इस टाइम दोनों के दोनों जो कैटेगरी है वो खैरतल पूरी कर रहा है। जिनको ये सस्ता प्याज चाहिए वो तो मिल ही रहा है जी, और जिन ग्राहकों को अच्छे मालों की डिमांड है तो 15 से लेकर 17 रुपए किलो के बीच में खैरतल के अच्छे माल मिल जाते हैं उनको। अच्छा जी, तो उनका काम चल जाता है, इसलिए इन मालों के ग्राहक कम हो चुके हैं। अच्छा जी जी, तो सर गुजरात से भी इस समय माल आ रहा है या फिलहाल अभी होल्ड? सर मैं सेम कंडीशन है, होल्ड कहीं नहीं है, सिर्फ रेटों का पड़ता नहीं खा रहा कि जो मार्केट वहां पर है और जो मार्केट यहां पर है उनको थोड़ा सा प्राइस एलोकेशन के चक्कर में रेट उनको मैच नहीं कर पा रहे हैं, वरना माल वहाँ भी आना शुरू हो चुका है। सर दिल्ली आने का मतलब है वहाँ से 2-3 रुपए या 1-2 रुपए कम से कम बाजार तेज हो तो फिर बेनिफिट? सर देखिए खर्चे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि यहाँ की पलेदारी वहाँ की पलेदारी, किराए भाड़े जो हैं 3-4 रुपए किलो के हैं, फिर जो वजन शॉर्ट होता है, जैसे गाड़ी यहाँ से चलेगी यहाँ आएगी तो 3-4 क्विंटल वजन शॉर्ट हो जाता है जी जी बिल्कुल। इसके अलावा भी खर्चे बहुत हो जाते हैं सर, वो सारे खर्चे बहुत ज्यादा बैठते हैं, अगर आप ऑन पेपर्स करोगे तो खर्चे बहुत बैठ जाते हैं सर वो। तो सर अगर जैसे वहाँ पे अगर 20 का बाजार चल रहा है तो किसान भाइयों के लिए दिल्ली मंडी के अंदर कितने रुपए चलना चाहिए जो उनको भी बेनिफिट हो? सर बड़ी सिंपल सी बात है, अगर 20 रुपए किलो माल अगर पीछे तो कम से 5-6 रुपए किलो खर्चा ऊपर बैठ ही जाता है। अच्छा जी, अगर मान के चलो 20 रुपए वहाँ चलिए 25-26 की अगर यहाँ बिकती है तो सिर्फ दाम के दाम पूरे होते हैं उनके। अच्छा जी जी, मतलब 27 से 28 मतलब 8 रुपए का अगर डिफरेंस आए जी तब जाकर के उनको पैसा तो जाके जी ये फर्क है। और अच्छा, इतने भाव के डिफरेंस में माल बिक नहीं रहे इस टाइम, क्योंकि इस टाइम जो मैंने बताया कि सारा रुझान सिर्फ लोकल प्याज की तरफ ज्यादा हो चुका है जी, तो अभी मेरे को लगता नहीं कि 15-20 दिन अभी और उनको अभी मजा आएगा काम करने में, जो बाहर वाले प्याज वाले हैं चाहे वो MP हो, नासिक हो, चाहे गुजरात बेल्ट हो। अच्छा जी, सर टेंडेंसी क्या लग रहा है सर प्याज में आगे चल के जो है कुछ तेजी देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर बिल्कुल भी आसार नहीं है, कारण ये है कि सब तरफ के माल भरपूर चल चुके हैं, माल की कहीं कोई शॉर्टेज है नहीं, जो थोड़ा बहुत खैरतल में बता रहे थे कि मालों की कमी हो रही है वो ये बाहर वाले जो प्याज है ये चल चुके हैं, टाइम से पहले चल चुके हैं और बहुत बढ़िया क्वालिटी बन रही है उनकी। अच्छा जी, तो मालों की शॉर्टेज तो सर होगी नहीं। अच्छा जी, आने वाले समय में भी। अच्छा, तो बढ़िया ये रहेगा कि अगर जिसको जहाँ मौके पे अगर माल समाज अगर उनके माल तैयार हो चुके हैं तो बेचना चाहिए सर। अच्छा जी जी, सर कई कमेंट पीछे भी आ रहे थे जो नए प्याज है उनको जो है अच्छा भाव मिलेगा, तो उस बारे में क्या कहना चाहते हो सर? सर मैं तो मैंने जैसे अभी आपको 2 मिनट पहले बताया सर, मेरे को तो इसमें कोई दम वाली बात लग नहीं रही है, कारण ये है कि माल भरपूर है हर तरफ, और जब अच्छा, माल भरपूर होते हैं तो कहीं से भी कहीं तक भी बाजार बढ़ने की आशंका मुझे लग नहीं रही है। अच्छा जी, और सर जी इस समय अगर बात करें पुराने प्याज का तो पुराना प्याज किस राज्य से फिलहाल आ रहा है और किस भाव में बिका दिया? सर पुराना नासिक और MP दोनों ही आ रहे हैं, क्वालिटी ये ठीक बन के आई हुई है, 12-13 रुपए किलो चला रहे हैं हम प्याज ये वाली। अच्छा जी, जो आप देख रहे हैं ये वाली। अच्छा जी, ये 12 से 13 रुपए हम चला रहे हैं, 12 से लेकर 13 रुपए जी। आज जो है पुराने प्याज में सर टॉप से टॉप क्वालिटी किस भाव में बिका जी? सर 15-16 रुपए किलो। अच्छा जी, 15 से लेकर 16 रुपए, अगर साइज अच्छे है, पत्ती अच्छी है, प्याज मजबूत है तो 16 रुपए किलो। अच्छा जी जी, मतलब पीछे से जो है आज से 1 हफ्ता पहले और आज जो है 2 रुपए से लेकर के 3 रुपए तक टूट चुका है, ज्यादा का डाउन है सर। अच्छा जी, अगर आप हफ्ता 10 दिन पहले की पोजीशन देखेंगे तो 17 से 20 रुपए की पोजीशन थी, जो 22-23 रुपए माल बिके हैं जी जी, तो 4 रुपए किलो का तो सर हाई है लॉस सिस्टम हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर। अच्छा जी जी, तो और भी टूटते हुए देखने को मिलेगा पुराने प्याज में या फिर सर अभी स्टेबल? सर अब इससे ज्यादा तो गुंजाइश नहीं है टूटने की पुराने प्याज के अंदर, कारण ये है कि बहुत बेसिक रेट पे आ चुका है प्याज इस टाइम जी जी, तो अब इससे ज्यादा तो गुंजाइश मेरे को लगती नहीं है प्याज, अगर मांग के चलो प्याज 10 से लेकर 15-16 रुपए किलो बिकती है। अच्छा जी, तो इससे बेस प्राइस हो जाता है सर, मेरे को लगता है इससे ज्यादा तो प्याज की अब आसार कम है सर नीचे जाने के। सर जी जिस तरह का हालात साल 2 साल 3 साल से देखते हुए आ रहे हैं जी प्याज में, अभी कई सालों से जो है रेट कुछ खास नहीं बन पा रहा है किसान भाइयों का, तो सर सरकार को जो है गवर्नमेंट को जो है इस विषय में कुछ सोचना चाहिए या सब्सिडी वगैरह का कुछ करना चाहिए जी?
सर देखिए बिल्कुल सरकार को तो ये हमारे अन्नदाता हैं देश के, इनके लिए तो बिल्कुल कोई ना कोई अच्छी स्ट्रांग पॉलिसीज बननी ही चाहिए। लेकिन इस बार थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि किसान भाइयों की ना गलती खुद की ज्यादा है। जब इस बार इनको अच्छा बाजार मिला था तो उनको उस टाइम प्याज बेचना चाहिए था, जबकि उन्होंने प्याज ना बेचकर वहीं पीछे अपने पॉइंट पे प्याज को होल्ड कर लिया। जी जी। जब बाजार यहाँ 25 रुपए से 30 रुपए किलो था जी, तब इनको ये प्याज बेचना चाहिए था जी। लेकिन क्योंकि अब चाहे गलत अखबार है चाहे गलत इन्फॉर्मेशन है, जो भी कारण रहा, लेकिन ये नुकसान उन्होंने अपने हाथ से किया है इस बार का। तो बाकी जो आपने सवाल किया सरकार के एंड पे, तो सरकार के एंड पे सर बिल्कुल जरूर स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज बननी चाहिए जिससे कम से कम इनकी एक जान बचाई तो हो ही जाए। लेकिन सर देखने को जो मिलता है ये जो झटका रहता है, आपने जो बोला वो करेक्ट है, लेकिन इस बारे में मैं भी कहना चाहूंगा जो ये तेजी देखने को मिला 10 से 12 दिन का ये तेजी देखने को मिला, इसमें भी जो किसान भाई जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सर हर कोई जो है उम्मीद लगा करके रहता है जो और बढ़ेगा, और वो और बढ़ने का जो है सिस्टम वो डुबा करके लेके जाता है आदमी। सर एक बात बताओ मेरे को आप, मैं एक बेसिक चीज पूछ रहा हूँ आपसे कि जो आज हमको नफा मिल रहा है चाहे वो 1 रुपए का है वो बढ़िया है, या अंधेरे में रह के आप 5 रुपए के सपने देखोगे? सर जो आज की तारीख में आपको चीज मिलती है, अगर मान के चलो उनके पास सपोज करो 5,000 कट्टा है या 4,000 कट्टा है, तो उनको आधा बेच लेना चाहिए था जी। भाई पूरा का पूरा माल होल्ड करने की जरूरत क्या है उनको? सपोज करो जैसे आपने बोला कि भाई उनको ये लग रहा था कि बाजार आने वाला टाइम में तेज हो जाएगा जी, तो थोड़ा बहुत निकाल लेते, थोड़ा बहुत स्टॉक कर लेते जी। भाई पूरा का पूरा स्टॉक करने का सर सेंस नहीं है ना कोई। भाई चलो आपको बाजार है और आपको आज के पैसे में 2 पैसे की प्राप्ति होती है, हाँ जी हाँ जी, तो पूरा मत बेचो, आधा बेचो, आधा ना बेचो, 1/3 बेचो, लेकिन कुछ तो बेचो सर। हाँ सर, ये आप पॉइंट वाला बात बोले कि जो मतलब अगर बेनिफिट दिख रहा है, अगर 2 रुपए का भी बेनिफिट आ रहा है तो कम से कम थोड़ा बहुत निकालते जाओ। समय के हिसाब से 100% अगर 100% आपके पास 25-30 जितना मतलब आपका मतलब बचत है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, समय के हिसाब से अगर आपको अंदेशा लग रहा है कि आने वाला बाजार तेज होना चाहिए या हो रहा है या होने लगता है जी, तो थोड़ा बहुत स्टॉक कर लो थोड़ा बहुत, लेकिन चलते बाजार में चलना चाहिए सर। अगर आज की तारीख में आपको 2 पैसे की प्राप्ति होती है तो सर बिल्कुल बटने चाहिए पैसे, रिस्क के लिए जितनी में आपकी गुंजाइश है, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतने का आप स्टॉक कर लो, उतने के आप होल्ड कर सकते हो कि जिससे कि आपकी जेब पे नुकसान ना हो जी जी। लेकिन चलते बाजार में सर माल बेचने में हमेशा समझदारी रहती है जी। सर जी, तो अगर आपका पॉइंट अगर जानना चाहूँ तो अगर सरकार अगर इस बारे में सोचे तो सर क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए? सर देखिए वैसे तो सरकार ने अपनी तरफ से जो पॉलिसीज ले रखी है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे जो बेस प्राइस है MSP जिसकी हम बात करते हैं वो होनी चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है राइट इन्फॉर्मेशन किसानों को प्रोवाइड करवाए गवर्नमेंट किसी एक पॉइंट पे जी। जहाँ से मेन दिक्कत होती है सर मौसम की मार जी, वो किसी के हाथ में नहीं है जी, वो तो है। वो एक पॉइंट है सर जहाँ गवर्नमेंट को कवर अप करना चाहिए किसानों को, चाहे सब्सिडी देके, चाहे राइट इन्फॉर्मेशन देके, चाहे राइट फैसिलिटी देके जी। तो वो एक पॉइंट है जहाँ किसान सबसे ज्यादा मार खा रहे हैं हमारे देश में जी, जो मौसम जो नेचुरल चीज है। तो उसमें कोई ना कोई सरकार को कोई ऐसी पॉलिसीज मेकिंग बननी चाहिए जिससे वो उस चीज से बचाव हो सके जी जी जी। क्योंकि सर देखा जाता है जो बड़े बड़े कंपनी के ओनर है उनको तो सर फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन हमारे जो देश का किसान है जी, जो रीढ़ की एक तरह से हड्डी है सर जी, तो उनको ही जो है जो मेन फैसिलिटी मिलना चाहिए वही उनको प्राप्त नहीं हो पाता है जी, जिसे वो भी मार खाते हैं सर काफी ज्यादा। सर बेसिक मैंने आपको बताया ना, रीजन ही यही है, मैं आपसे खुद कह रहा हूँ, हालांकि सरकार ने पहले भी कई स्टेप उठा चुकी है लेकिन अभी भी और स्टेप उठाने की जरूरत है, खासकर इस सेक्टर के अंदर जी जी। और सर हमारा देश तो वैसे कृषि प्रधान देश है जी, अगर मेन बेसिकली जो हमारा मेन बिजनेस अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो बाकी क्या रहेगा सर इसके अंदर। तो बेसिकली मैं तो खुद कह रहा हूँ कि इनको स्ट्रांग होना चाहिए पीछे वो किसानों को, वो पॉलिसीज ऐसी बने गवर्नमेंट, एक तो सर सबसे बात है ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है गवर्नमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान होनी चाहिए जी जी जी। एक्चुअली क्या सरकार तो ऊपर से वहां से रूल पास कर देती है लेकिन जमीनी तौर पे वो चीजें हो नहीं पाती हैं जी बिल्कुल। तो सरकार को करना चाहिए अगर कोई पॉलिसी बनाती है तो सरकार ये भी देखे कि जमीनी तौर पे वो पॉलिसी फॉलो हो भी रही है कि नहीं हो रही है, बिल्कुल सर वो इंपॉर्टेंट है सर जी। जो आगे से सरकार ने फायदा दिया है वो पीछे किसान भाई तक पहुंचना जरूरी है सर जी जी जी। बीच में कोई रुकावटें जो आती है वो दिक्कत ज्यादा करती है सर जी जी। ये आपने सही बात कहा सर जी, जो रुकावट जो है क्योंकि हर क्षेत्र में देखा जाता है, चाहे किसानी क्षेत्र हो या फिर चाहे एक एरिया का MC जो म्युनिसिपैलिटी भी डिपार्टमेंट होता है उसमें भी जो है कई सारे रुकावट जो फैसिलिटी देता है गवर्नमेंट तो वो फैसिलिटी पे काम नहीं हो पाता जी जी। यही इश्यू है सर। सर जी एक बार जो है अपना आरत नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। सर अर्जुन दास एंड सन्स, दुकान नंबर 40 केशवपुर मंडी, मोबाइल नंबर 98-11-35-71-76। ओके जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। दोस्तों अगर आप सभी भाइयों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्याज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं अगले वीडियो में जो है पूरा कोशिश करूंगा आप सभी का जवाब देने के लिए।
और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना दोस्तों, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।